सर पार्ट वन एमसीक्यूज के ट्रिकी पॉइंट देखो ऑन मोटर व्हीकल्स कितना मिलता है 15, 30. But, but, सर, 23, 8, और कैपिटल गेन आपका टू करोड़ तक के है तो आपका एग्जिमेशन कितना मिलता है दो घर का मिलता है दो घर का टू रेसिडेंशियल हाउसेस वो मत वो समझ लेना इसको वो जो एक आ, दो फ्लैट को एक मानते ना अपन वो अलग चीज है ये दो घर का अलग से मिलता है ठीक है

यहां पे अपन जा सकते हैं ओनली इन बिजनेस प्रोमैसेस यहां पे ड्यूरिंग बिजनेस आर जा सकते हैं अपन ड्यूरिंग बिजनेस आर्स यहां पे बिजनेस आर्स जा सकते हैं बिजनेस प्रोमैसेज में और कोई और जगह जा रहे हैं अपन घर जा रहे हैं तो आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट जा सकते हैं ठीक है एक डिफरेंस इसमें क्या है सर मेन डिफरेंस कि इसमें अपन सर्वे में बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हैं 15 डेज विदाउट एनी परमिशन और इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड नहीं कर सकते कि इसमें पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन में अच्छा सर फिफ्टीन डेज के ऊपर रखनी है तो सी आई टी सी सी आई टी डी आई टी डी जी आई टी प्लस इनके पी इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी ठीक है पी मतलब प्रिंसिपल ओके सर अमाउंट नॉट रिसीव ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड एट परसेंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन फोर्टी फोर एडी फोर्टी फोर एडी में बेटा आप एट परसेंट लेते हो नॉर्मल किसका कैश में जो आता है या बेरे चेक से आता है सिक्स परसेंट कौन सा लेते हो अकाउंट पे चेक वाला और ई सी एस वाला बट जो पैसा ड्यू डेट तक मिला ही नहीं ड्यू डेट के बाद मिला तो किसी भी किसी से भी मिले उसका अपन एट परसेंट ही लेते हैं ठीक है थीके? सेक्शन ए टी आई बी इसमें लिख लो ए टी आई ए आई बी आई सी कोई भी जो है ना जितने भी चैप्टर सिक्स से पार्ट सी वाले डिडक्शन है उसमें क्या होता है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी और पावर सब्सिडी जो मिलती है गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट से पावर सब्सिडी इंटरेस्ट सब्सिडी और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है इट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन इट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन बट जो ड्यूटी ड्रॉपक होता है इट इज एनसी प्रॉफिट इट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन और इसमें एक और पॉइंट है बेटा अभी शायद आ जाएगा वो आगे चल के चलो आ जाएगा देख लेंगे एज पर सेक्शन नाइन इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया ये इंक्लूड करता है सैलरी ठीक है बट अलाउंस एन प्रोसिड एक्समट मतलब वो इंक्लूड नहीं करता मतलब वो टैक्स नहीं होता एंड अलाउंस एंडिसम होते हैं ठीक है लेवी इज लेवेबल वेन पेमेंट इज मेड फॉर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्सनल के किया तो नहीं लगता टी डी एस ऑन रेंट वन आइट फोर आई बी में कब लगता है सर जब रेंट इज ग्रेटर देन थाउजेंड वन नाइनटी ई एंड वन वन इसमें रेफरी एम्पायर एंड कॉमेंटेटर आर नॉट कवर्ड ये कॉमेंटेटर आपको नया मिलेगा यहां पे ये भी कवर्ड नहीं होता है इसमें आपकी बुक में नहीं होगा ये सर एडवांस रूलिंग कैन बी टेकन बाय बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ठीक है इफ डिडक्शन अंडरसेक्शन टेन डबल ए थर्ड फाइवेडी एंड चैप्ट सिक्स एके एर बी इज गिवन इन क्वेश्चन ऑलवेज चेक एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेट हमेशा एम टी हमेशा ए की एप्लीकेबिलिटी चेक करना अगर ये तीन चीजें दी हुई तो भूलना मत इसको चेक कर लेना टी की एप्लीकेबिलिटी हम भूल जाते हैं जनरली बेटा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे आपको लगा लग रहा होगा कि यार ये तो मुझे आता है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है यही पॉइंट्स पूछे हुए हैं के बुकलेट में तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ठीक है चैप्टर सिक्स डिडक्शन आर नॉट अलाउड अगेंस्ट एल टी एल टी सी जी अंडर सेक्शन वन वन टू ए शॉर्ट अंडर सेक्शन ट्रिपल वन एंड स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम ठीक है सर जब कैपिटल गेन हम कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में तो फिफ्टी फोर इसी के लिए सिक्स मंथ जो काउंट करते हैं हम वो करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ठीक है और बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता भी इसलिए है क्योंकि मैं रिविजन वीडियोज में जनरली ट्रिकी पॉइंट्स कवर कर लेता हूँ इसलिए आपको पता भी हो सकते हैं ठीक है फैसोल लिमिट वन आइंटी फोर जे की जो होती है वो हमको थर्टी थाउजेंड सेपरेटली चेक करनी पड़ती है ओके और जो इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपन फीस पे करते हैं उस पर कोई भी फैसल लिमिट नहीं लगती एग्जेम्शन फ्रॉम वन आइट फोर एंड एवेलेबल ओनली टू एपीएमसी कमीशन एजेंट नॉट टू एन एस एस बाईज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर रॉ मटीरियल ठीक है न, वो APMC commission agent को मिलता है कोई दूसरा एस एससी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर रॉ मटेरियल खरीद रहा है उसको नहीं मिलता ठीक है सर ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड जी डी आर बाई वन एनआर टू अनादर एनआर आउटसाइड इंडिया ये इट इज नॉट अ ट्रांसफर ठीक है अच्छा ये सुन लो ए टी आई बी आई ए आई बी आई ए सी आई ए बी जो भी सेक्शन है ना इसमें डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए विल अलाउड ऑन इनकम ड्यू टू डिस एंड फोर्टी थ्री बी सुनना क्या है अगर कोई भी डिसउंस हुआ फोर्टी ए आई ए फोर्टी ए थ्री फोर्टी थ्री बी कोई भी डिसलाउंस हुआ उस चक्कर में इनकम बढ़ी तो वो एनहेंस इनकम पे डिडक्शन मिलता है चैप्टर सिक्स से पार्ट सी में चैप्टर सिक्स से पार्ट सी में डिडक्शन मिलता है उसका ठीक है वन आइटी फोर आई में टीडीएस इज नॉट डिडक्टेबल ऑन रिटर्नेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पर टी डी एस नहीं लगता बट नॉन रिफंडेबल पर टीडीएस लगता है ठीक है और आई पे लिमिट जो टू फोर्टी की होती है अगर वन फिफ्टी लैंड के लिए है और वन लैक अलग से बिल्डिंग के लिए है तो दोनों को अपन एग्रीगेट करते हैं वन आइट फोर आई एप्लीकेबल होता है वेन सेल कंसेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू फिफ्टी लैख इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू फिफ्टी लैख से ध्यान रखना एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड ठीक है सर अगर प्रॉपर्टी अपने को रिसीव है एज गिफ्ट ठीक इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहे अपन अगर हमको गिफ्ट से जैसे मिली ना तो फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर अगर एसडीबी रहती है अगर फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर एसडीबी रहती है तो अपन क्या बोलते हैं वो हमको मतलब अपन गिफ्ट उसको टैक्सेबल करते हैं फिफ्टी सिक्स टू टेन में बट अगर मोर देन वन प्रॉपर्टी है ना तो हमको फिफ्टी थाउजेंड की लिमिट पर प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी

और उसमें प्रिंसिपल थाउजेंड है और इंटरेस्ट है तो तो हो जाएगा सेक्शन हम हम कितनी होगी, होगी, होगी क्योंकि हम बोलते हैं पेनाल्टी कितनी होती है हंड्रेड परसेंट ऑफ लोन डिपॉजिट एडवांस पेमेंट इंटरेस्ट वाले अमाउंट पर पेनाल्टी नहीं लगती ठीक है सर इफ टू रनेस टैक्स कंपनी

तो अगर फोर्टी ए आई ए केस में अपील टू सी आई टी अपील हुई है तो अनएक्सप्लेट के में, 264 possible नहीं है, क्योंकि total merger होता है क्या पॉसिबल है सिर्फ वन फिफ्टी फोर पॉसिबल है क्योंकि उसको डॉक्टर मर्जर लगता है ठीक है सर वन वन फाइव बीए सी स्टैंडर्ड रिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम सैलरी नॉट अलाउड बीएससी में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं होता बी ए बी में म्यूनिसिपल टैक्स स्टैंडर्डक्शन इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन बी ए बी फ्रॉम रेंटल इनकम अंडर सेक्शन इनकम फ्राम हाउस प्रोपर्टी और बी ए बी में अपने को सेक्शन फिफ्टी सेवन जो आई एफ एस वाले वो भी अलाउड नहीं होते वो भी अलाउड नहीं होते सेक्शन टेन फोर डी स्पेसीफाइड फंड कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी ये टैक्सेबल होता है ये फंड के हाथ में टैक्सेबल होता है क्या होता है स्पेसीफाइड फंड के हाथ में ये टैक्सेबल होता है ये बेटा एम सी क्यूज के पॉइंट हो गए अब हम पढ़ रहे बेटा ट्रिकी पॉइंट्स ऑफ केस सीज सेक्शन सेवेंटी एट जो शेयर ऑफ अनएब्सॉर्ब लॉस होता है ऑफ रिटायर्ड पार्टनर कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बट दिस नॉट अप्लाई टू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये अलाउड अप्लाई नहीं होता बट जो शेयर ऑफ लॉस होता है ना ऑफ रिटायर्ड पार्टनर पार्टनर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता सर टू सिक्स एस 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 टी टी क्या है ना लेने का ना लेने का ना देने का ट्वेंटी थाउजेंड टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड पेनाल्टी क्या मे लगती है डी डी ए पार्टनर सैलरी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन फोर्टी बी

कोई भी डोमेस्टिक कंपनी को लग जाता है पर बीएबी ऐसी कंपनी को लगता है न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कम मतलब सॉरी अपू फोर हंड्रेड करोड़ी फाइव परसेंट एक्सैक्टली फोर हंड्रेड करोड़ पर भी ट्वेंटी फाइव परसेंट है ठीक है चलो एट्टी पे होता है प्रीवियस और ये वन फिफ्टी डेज

अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कब होती है सर जब इनकम एज पर वन फोर्टी थ्री थ्री इज ग्रेटर देन इनकम एज पर वन फोर्टी थ्री वन एंड इनकम एज पर वन फोर्टी सेवन इज ग्रेटर देन इनकम एज पर वन फोर्टी थ्री थ्री सर पेनल्टी अंडर सेक्शन टू सेवेंटी ए फिफ्टी परसेंट ऑफ टैक्स अंडर रिपोर्टिंग टू हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स मिस रिपोर्टिंग सर यू आर इन केस ऑफ इंडिविजुअल एच ओ एफ इफ आर आई नॉट फाइल्ड सर अगर आर आई फाइल नहीं हो रहा है इफ आर आई इज नॉट फाइल्ड देन क्या करते हैं हम इनकम एज माइनस बेसिक एक्जन लिमिट ये बोलते हैं हम यू आर आई यू आर आई बोलते हैं इसको इनकम माइनस बेसिक लिमिट इंडिविजुअल एच के ठीक के के है, तो है सर टू जीरो जब पैन नहीं दिया अपन ने तो टीडीएस रेट लगता है ट्वेंटी परसेंट बट इसके तीन एक्सेप्शन कौन से कौन से सर वन नाइन फोर ओ फाइव परसेंट वन नाइनटी फोर क्यू फाइव परसेंट एंड वन नाइनटी टू एम एम आर ठीक है अब ध्यान देना है एक बात और इसमें एक और बात बोलनी मुझे कि और वन दोनों में रेट कितना है सर बट अगर पैन नहीं दिया तो TDS लगता TDS लगता सर, 5%, TCS लगता है है कितना कितना सर बट ध्यान ठीक लेवी नहीं होगा अगर एनआर जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसका पी इंडिया में एंड सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी ठीक है से applicable हुआ है तो अगर अपलाई मतलब दोनों का टर्नओवर टेन करोड़ से ऊपर है तो उसके और आफ्टर ट्वेंटी क्या करते हैं करते हैं यह है? बात बताया मैंने पहले भी ठीक है सर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो पेमेंट होता है वी आर एस का वो सर वन फिफ अलाउट होता है सिर्फ कितना बेटा वन फिफ्थ फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और डीम टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग बोलते हैं एंड पेनाल्टी लगता है सर टू हंड्रेड परसेंट और पेनाल्टी लगता है टू हंड्रेड परसेंट ठीक है एप्लीकेबल नहीं है एलिजिबल नहीं है अगर अपन ट्रेडिंग ऑफ एफ एंड ओ कर रहे हैं तो ठीक है सिर्फ मैन्युफेक्चरिंग कंपनी को अवेलेबल होता है ये दूसरी बात

डिस्टर्ब हो जाता रिकॉर्डिंग करते करते ठीक है इज़ नॉट एप्लीकेबल टू टू कंपनी कंपनी इन फॉलोइंग केसेस कब ऐसी company, जो ऐसी जो कंट्री के या फिर जिसका इंडिया के साथ डी नहीं है एंड फॉरन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ ठीक है सर इनकम टैक्स रेट इज टेन परसेंट एंड डी टी डब्ल रेट इज ऑल्सो टेन परसेंट हम रेट कौन सा लेते हैं, हम लेते हैं का. क्योंकि इनकम टैक्स का रेट ठीक है, है अच्छा बेटा एक वन पॉइंट टू का सुन लो कैपिटल गेन का रेसिडेंट को जनरली क्या होता है रेसिडेंट को ऑप्शन होता है कि सर टेन परसेंट विदाउट इंडेक्सेशन भरो या इंडेक्शन भरोसेंट विद इंडेक्सेशन करो बट एनआर केस में क्या होता है ना उनको करना पड़ता है टेन परसेंट विदाउट विदाउट इंडेक्सेशन ही टैक्स भरना पड़ता है कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बट उनको उनको ना जब हम सर उनकी इनकम दिखाते हैं हम जब इनकम दिखाते हैं तो हम विथ इंडेक्सेशन वाली इनकम फिगर में दिखाते हैं ठीक है थीके? क्वेश्चन है एनआर में एनआर में क्वेश्चन दिखाया हूं मैंने आपको आपको नहीं देखना देखा हुआ है तो देख लेना ये क्या बोल रहा हूं मैं हम इनकम में जब लेते हैं ना तब हम विध इंडेक्सेशन वाला फिगर लेते हैं बट टैक्स जब लगाते हैं जब हम जब टैक्स लगाते हैं जब टेन परसेंट विद इंडेक्सन लगाते हैं ठीक है ओके चलो ये मैट वाला वो है कि अगर फॉरेन कंपनी की इनकम ऐसी इनकम है जिसपे मैट रेट से कम रेट पे टैक्स लग रहा है तो माइनस कर देते हैं अपन ठीक है सर वन वन फाइव बी डबल ए सेक्शन थर्ड फाइव वन वन एंड सेक्शन थर्ड फाइव वन फोर अलाउड होता है वन वन फाइव बी डबल ए बी ए बी में सेक्शन थर्ड फाइव वन वन एंड थर्ड फाइव वन फोर ये अलाउड होता है बट थर्ड फाइव टू ए बी इज नॉट अलाउड बट थर्ड फाइव टू ए बी इज नॉट अलाउड सर म्यूनिसपल टैक्सेस पेमेंट अंडर सेक्शन फोर्टी फोर का डिडक्शन अलाउड तभी होता है जब वो ओनर पे कर रहा है जब वो ओनर पे कर, कर रहा है तभी अलाउड होता है अगर टेनेंट कर, कर रहा है तो अलाउड नहीं होता ठीक है सर एटी जे जे ए में सर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तक डिडक्शन अलाउड है उसेंड पे पेडक्शन अलाउड नहीं है ठीक है सर जब टेन डब्ल्यू का रिडक्शन मिलता है ना तो फर्स्ट फाइव ईयर के लिए हंड्रेड परसेंट मिलता है और नेक्स्ट फाइव ईयर्स के लिए फिफ्टी परसेंट मिलता है तो ये चेक कर लेना कि फर्स्ट फाइव है कि नेक्स्ट फाइव ईयर है ठीक है टर्नेज टैक्स कंपनी को ट्वेंटी परसेंट ऑफ बुक प्रॉफिट रिजर्व अमाउंट में डालना पड़ता है ट्वेंटी परसेंट टर्नेज टैक्स रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ता है उनको ठीक है सर एटीई ए का जो इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता है ना हमको वो सिर्फ अब टू फोर्टी फाइव लैक्स अगर एच डी रहा तभी मिलता है और कितना मिलता है डिडक्शन वन पॉइंट फाइव लैख का सर अगर मोर देन टू प्रॉपर्टीज दिए ना तो अपन एस ऐसी दो प्रॉपर्टी को लेते हैं जिसका जे बी ज्यादा है ताकि सेव टैक्स ज्यादा हो ठीक है ओके सर वन वॉइट फाइव बीबीडी में ग्रॉस डिविडेंड टैक्सेबल होता है फिफ्टीन परसेंट पे इस पर कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होता सर टू जीरो सिक्स वन जी इफ लोन इज टेकन फ्राम इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रिमिटेड टी सी एस रेट इज जीरो पॉइंट फाइव परसेंट बट अगर अपन लोन ले रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉयर या फिर फॉरन uh, बैंक तो रेट फाइव परसेंट लगता है ये जो एजुकेशन लोन की बात चलती है ना ये एजुकेशन लोन की बात चल रही है बेटा हमने अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया चलता है बट अपने फॉरन बैंक से लिया या फिर एम्प्लॉयर से लिया तो रेट फाइव परसेंट ही रहता है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट नहीं होता ठीक है नो पहने तो वन एंड फोर क्यू में फाइव परसेंट एंड टू जीरो सिक्सटी बनेच में वन परसेंट सर फॉर टू सिक्स नाइन एस टी एक सर्कुलर है एनबीएफसी का जिसमें क्या है कि एवरी इंस्टॉलमेंट इज सिंगल ट्रांजेक्शन एंड ऑल इंस्टॉलमेंट नॉट टू बी एग्रीगेटेड फॉर चेकिंग लिमिट अब आपको ना टू लैख like करना, like करना है तो उसके लिए जो भी इंस्टॉलमेंट होती है एनबीएफसी में वो क्या होती है सर वो सिंगल हम उसको इंस्टॉलमेंट मानते हैं और टू लैख के लिमिट हर इंस्टॉलमेंट के चेक करते हैं टू लैख की लिमिट हर इंस्टॉलमेंट के चेक करते हैं इस पर क्वेश्चन नहीं है पूछा हुआ है इस पर ठीक है फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है पार्टनर को अगर रेसिडेंट को पे कर रही है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता बट एनआर को पे कर रही है तो टी डी एस वन नाइनटी फाइव पे एप्लीकेबल होता है सर अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन सॉरी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन नाइन्टी फोर बी कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एट ईयर्स ये आठ साल के कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपन और आगे चल के अगर थर्टी परसेंट में थोड़ा सा टॉलरेंस बचा हुआ है ना तो अपन जितना डिसलाउड था वो अलाउड कर देते हैं जितनी जगह बची है उसमें मान लो इस बार अपन ने थर्टी परसेंट अलाउ किया थर्टी परसेंट ऑफ एट था अब उसके ऊपर थोड़ा डिसअलाउ हो गया ठीक है नेक्स्ट टाइम अपन ने ट्वेंटी फाइव परसेंट इंटरेस्ट पे किया है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ विद द फाइव परसेंट जगह बची है ना जितनी जगह बची है वो अलाउ कर दो और ठीक है आपको समझ गया होगा मोस्टली जो बोलना चाहता हूँ मैं ठीक है टैक्स रेट्स वन वन फाइव बी ए बी के दिए बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन फिर से सुन लो मैनुफैक्चरिंग के लिए फिफ्टीन परसेंट नॉन मैनुफैक्चरिंग के लिए ट्वेंटी टू परसेंट डेप्रिशियेबल एसेट्स पर एस टी सी जी फिफ्टीन परसेंट एस टी सी जी और नॉन डेप्रिशियबल एसेट ट्वेंटी टू परसेंट एंड स्पेशल टैक्स रेट्स स्पेशल रेट्स ठीक है बस बेटा ठीक है इतने ही पॉइंट है मैंने ट्राई किया इसको जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट कवर करूँ इस लेक्चर को बेटा स्पीड में मत देखना क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्राई किया बहुत फास्ट बोलने का क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास इसीलिए ठीक है सो ऑल द बेस्ट वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों साथ शेयर करना जितने दोस्त पॉसिबल हो उनके साथ शेयर करना क्योंकि मैं बहुत रात को शेयर कर रहा हूँ पता नहीं ये कितने लोग पास पहुंच पाएगा तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना और अच्छा लगता तो कॉमेंट कर बताना ठीक है चलो थैंक यू सो मच ये शीट आपको मिल जाएगी मैं टेलीग्राम चैनल पर ओके बाय सी यू मिलते हैं